कहा कि मेरी माई तुझे कहाँ लगा था, तू चाल चल के चली जाएगी और मैं तेरी चाल समझ नहीं पाऊंगी, हैं? मेरे साथ तू इतना बुरा कर रही है, मेरे चैनल के साथ इतना तू छेड़खानी कर रही है और अपनी फैन फॉलोवर से मेरे चैनल पे रिपोर्ट मरवा रही है, जो मेरे चैनल का धजियाँ उड़ा दी है, तुझे कहाँ लगा था, हैं? मैं सारा प्रूफ के साथ आई हूँ, इसीलिए मैं कल वीडियो नहीं डाली हूँ, बोल रही हूँ सुधर जा, अभी भी वक्त है, मौका दे रही हूँ सुधर जा। और दोस्तों मैं ऐसी प्रूफ लेके आई हूँ, ऐसी सबूत लेके आई हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में दिल थाम के, जिगर थाम के और फुल वीडियो वॉच करिए, जो मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर होंगे उनको भी ये वीडियो बहुत ही फायदामंद होगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी श्यामलक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे, व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे। मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ आप लोगों को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए, भोले भटके आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत खास बातें हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू, क्योंकि शाम हो गया है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मैं आप लोग को बता देती हूँ और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। तो कहाँ लगा था तुझे काकी रे, मेरी दादी, मेरी माई, तुझे कहाँ लगा था, तू चाल चल देगी, तू चाल चल के चली जाएगी और किसी को खानो कान खबर नहीं पड़ेगी, तुझे नहीं पता है ये दर्पण भंडारी है, ठीक है, तू जो मेरे साथ इतना गंदा खेल खेल रही है, इतनी बड़ी घिनौनी खेल खेल रही है, भगवान तेरा इंसाफ करेगा, जैसा कर्म करेगी वैसा फल जरूर मिलेगा, चिंता मत कर, मुझे जितना सता रही है, जितना तुझे जो करना है कर, और मुझे तू बोल रही हूँ, जिस दिन मैं तेरा पूरा प्रूफ के साथ आ जाऊँगी उस दिन तो तुझे पहचान लेगी जो ये दर्पण भंडारी कौन है, एक बिहारन के बारे में तुझे पता चलेगा उस दिन। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों से ये मुद्दा और मैटर वाली बात करती हूँ, मेन पॉइंट पे आती हूँ। जो मैंने 3-4 दिन पहले मैंने मालती चौहान यानी मतलब मालती भाभी वाला वीडियो इस चैनल पे डाला था और मैं आप लोगों से बता रही थी जो उन्हीं के वजह से मेरा चैनल वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है, ये चैनल है, तो इस चैनल पे, इस बड़ा वाला चैनल पे जो मैंने ये वीडियो डाला है, तो इस चैनल पे मुझे लग रहा है 150 लगभग में लोग देखे हैं। फिर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ जो कोई भी वीडियो नहीं चल रहा है, मुझे पता है डिमोनेटाइज हो गया है, रिपोर्ट मार मार के बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा गया है, मतलब तहस नहस कर दिया है, जो भी वीडियो डालती हूँ येलो डॉलर आ जाता है, येलो डॉलर मतलब जो एड नहीं आएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका डॉलर नहीं बनेगा, ओके, ग्रीन पे ही बनता है, आप वो लोग, आप लोगों को सबको पता होगा जो यूट्यूबर होंगे उन इनके लिए बोल रही हूँ। तो आप जान ही रहे इस चैनल को 2 महीने से कैसे धज्जियाँ उड़ा दिया है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और लगभग मैं 75% मैं सबूत इकट्ठा कर ली हूँ, 25% बाकी है और जिस दिन मेरा सारा सबूत आ जाएगा तो उस दिन मैं इन लोगों का पानी पिला के रख दूंगी। तो मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ, जो मालती भाभी वाला जो मैं वीडियो डाली थी, जो उस पर 150 देखा है और उसके बाद में यही वीडियो उठा के मैंने छोटा वाला चैनल पर डाल दिया है, मतलब आप लोगों को सबूत दिखाने के लिए, जो कई बार मैंने ऐसा कर चुका है, मैं सारा अपना मतलब ट्रिक अपनी आके मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ, कोशिश करके परेशान हो गई हूँ। तो मैं जानती हूँ जो एक यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद वो दूसरा चैनल पे नहीं डाला जाता है, फिर भी मैंने आप लोग को सबूत के लिए पहले भी 2-4 ऐसे वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जो इस पर नहीं चलता है, उस पर बड़ा अच्छा अच्छा व्यूज आता है, लेकिन मैं आप लोगों के सबूत के लिए मैं मालती चौहान वाली एक वीडियो बनाई थी, वही वीडियो सबसे पहले मैं बड़ा वाला चैनल पर डाली और एक दिन के बाद मैंने छोटा वाला चैनल पर वीडियो डाला है आपके सबूत के लिए। उस चैनल जिस पे 21,000 है, इस बड़ा वाला चैनल पे जिस पे 21,000 है, उस पे 150 लोग देखे हैं, आप लोग खुद जाके देख सकते हैं, उसके बाद वीडियो नहीं पड़ा है। और उसके बाद में छोटा वाला चैनल पे मैं एक दिन बाद डाली हूँ जिस पे 2,000 सब्सक्राइबर है, उस पे 4,500 लोग देख चुके हैं, कोई एडिटिंग नहीं की हूँ, जैसे 8 मिनट और 23 सेकेंड का है वही वीडियो डायरेक्ट मैं उठा के उस वाला चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी हूँ। अब बताइए आप लोग जो मेरा ये कितना का नुकसान कर रही है और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है, ये सबसे कितना बड़ा सबूत है, आप लोग जाके मेरा दोनों चैनल पे देख सकते हैं। और जो लोग मुझे समझते हैं, मैं जानती हूँ 5-7 लोग मेरे मुझे ऐसे सपोर्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो मैं बात बोलती हूँ तो मेरे बातों पर भरोसा होता है, तो आप लोग दोनों चैनल पर वीडियो जाइए और दोनों चैनल पर आप व्यूज़ देखिए, एक ही वीडियो है, एक ही मिनट, एक ही सेकेंड है, इसीलिए मैं आप लोगों को वही सबूत दिखाने के लिए मैं कल के डेट में वीडियो नहीं डाली थी। आप बताइए जो मैं आप क्या करूं,
बस थोड़ा देर आप लोग और टाइम मतलब वेट करिए, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो दोस्तों जो भी वीडियो मैं डालती हूँ आप लोग फुल वीडियो वॉच करिए और उसके बाद कमेंट करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जो रिपोर्ट मरवाए मतलब मारते हैं ना तो यूट्यूब मतलब ये कर देते हैं, जितने पब्लिक इनको सपोर्ट करते हैं प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हैं तो वो हट जाता है रिपोर्ट। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर देखिए। और अंधेरा हो गया काफ़ी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा सी यू। और मैं किसी के ठेस पहुँचाने की उम्मीद में ये वीडियो नहीं बनाई थी, मैं बनाई थी जो मेरे साथ क्या बीत रहा है। जिनको भी बुरी लगी हो सॉरी क्षमा चाहते हैं, बिल्कुल अंधेरा जैसा मुंह लग रहा है।